हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांगो माने, आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिवा प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो एक टॉपिक उपरे। तो आमर प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रे ऑनर्स पेपर रो दुई गोटी पेपर रही, जथा कोर पेपर थ्री एवं कोर पेपर फोर, अर्थात दुईटी पेपर सीसी थ्री एवं सीसी फोर। ये दुईटी पेपर आमर ओडिया ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर सिलेबस रे अछि। तो आज ओडिया क्लास रे आमे सीसी थ्री बा आमर ऑनर्स पेपर थ्री रो प्रथम यूनिट आलोचना करिवा। तो सांग माने, दुईटी जाक पेपर रे चार गोटी लेखाएं यूनिट अछि। तो आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिवा सीसी थ्री रो प्रथम यूनिट, जहार नाम होछि आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण। तो यही सेकेंड सेमिस्टर जो यूनिट थ्री रो प्रथम यूनिट रो नाम होछि आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण। एथेरे इंग्राजी शिक्षार विस्तार, पत्र पत्रिका प्रकाशन, मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा एवं भाषा सुरक्षा आंदोलन, यही सब विषय अछि। तो एगुडक आमे आलोचना करिवा। तो सांग माने, आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिवा आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण। तो यह होछि आम प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो सीसी थ्री रही, सीसी थ्री रो प्रथम यूनिट। तो यही आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण, एथेरे अनेक गुड़िया सब कंटेंट रही, जमीती इंग्राजी भाषार विस्तार, पत्र पत्रिका प्रकाशन और मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा और भाषा सुरक्षा आंदोलन। तो ये विषय गुड़िक आम आलोचना करवा। आज ओडिया क्लास में आम इंग्राजी भाषार विस्तार उपर आलोचना करवा। तो आउ समय नष्ट नक भिडियो आरंभ करवा। तो ये देखु, ये इंग्राजी भाषार विस्तार रही, पठन उद्देश्य रही, शिक्षण विषय रही। तो आमे सीधा विषय पर आलोचना करिवा। तो एठे आमे देखिवा आम ओडिया साहित्य रे इंग्राजी भाषार विस्तार किभले भावे होइतिला और किपरि तार विस्तार होइछि, से गुडी को आमे आलोचना करिवा। तो एठे लेखा जाइछि, इंग्रेज माने भारत शासन भार निज हाथ रे, इंग्रेज माने भारत को शासन करिवार भार निज हाथ रे नेबा पूर्वरु एठारे शिक्षार विशेष उन्नति साधित होइनथिला। तो इंग्रेज माने आसीबा पूर्वरु आम देश रे शिक्षार विशेष उन्नति होइनथिला। गोटे प्रकार कहवाक गले शिक्षा उपर गुरुत्व दि जाऊनतापर लिखा जा शिक्षापी कौन नियम भारत रे से समय रे विधिवद्ध भाव परिचय हो नाला, शिक्षा समाप्त हो जाता चाटशाड़ी। तो इंग्रज मैंने आसवा पूर्व भारत शिक्षा व्यवस्था थी चाटशाड़ी से शिक्षा शिक्षादान कर टोलो मद्रासा प्रभृति शिक्षा दि जा प्रभृति गुड़िक शिक्षा दि जाता। तो एगुड़िक शिक्षानुष्ठान छात्र मानक सर्वांगीन उन्नति रे सहायक हो पार नथला। तो ए जो टोलो मद्रासा चाटशाड़ी एगुड़िक छात्र छात्री मानक संपूर्ण शिक्षादान रे सहयोग कर पार नथला। शासन तंत्र शिक्षा निमन्ते चिंतित नथला कहले चले। इंग्रेज शासन समय रे नूतन शिक्षा नीति प्रचलन हला। तो इंग्रेज मानक शासन समय रे भारत रे नूतन शिक्षा नीति प्रचलन करागला। तापरे शासन रो उद्देश्य और आवश्यकता अनुजाई शिक्षा परिवर्तित और नियंत्रित होवाक लागिला। भारत रो विभिन्न स्थान रे प्रतिष्ठित अल्प केतोटी मात्र शिक्षानुष्ठान रो शिक्षा प्राप्त व्यक्तिगण इंग्रेज मानंकु प्रशासनिक क्षेत्र रे सहायता करूथिले। तो 1813 मसिया रे कंपनी सरकार तांकर शिक्षा नीति घोषणा कले। तो एठी गोटे इंपोर्टेंट डेट अछि जे 1813 मसिया रे कंपनी सरकार तांकर शिक्षा नीति को घोषणा कले। एथिरे पाही मानक धर्म शिक्षा निषिद्ध थिला। तापर 1835 मसिया रे एक नूतन शिक्षा नीति नियम लागू हला। एथिरे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान अध्ययन पई अर्थ व्यय व्यवस्था स्थान पाइला। 1858 मसिया ख्रीष्टाब्दरे शिक्षा आदेशनामा अनुसार भारत रे 1853 मसिया रे और बॉम्बे और माड्रास रे तीन गोटे विश्वविद्यालय स्थापन हला। तो एठी कहा जाय छी इंग्रज माने भारत को आसिला परे से माने भारतर शिक्षा व्यवस्था उपर टिके विशेष ध्यान देले। 1853 मसिया रे बॉम्बे और माड्रास रे तीन गोटे विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी स्थापन करथिले। ओडिसा भारतर अन्य राज्य मानक अपेक्षा सभा शेषर इंग्रेज मानक अधीन आसिबारु एठार आधुनिक शिक्षार प्रचलन विलंबर होइथिला। तो ओडिसा को इंग्रेज माने 1803 मसिया रे अधिकार कले, तेणु ओडिसा टिके पछुआ थिला। ओडिया साहित्यर पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यतार आलोक 19 शताब्दी में पहुंची थी। 1803 मसीहार इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कले। यार बहु वर्ष पर पाश्चात्य शिक्षार साधारण जनता प्रभावित
କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମିଶନାରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ। 1806 ମସିହାରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ବୁକାନ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା କୂଳରେ କିଛିଦିନ ରହିଥିଲେ। ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ବୁକାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିଲିକା କୂଳରେ କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବାରେ ସଫଳ ମିଷ୍ଟର ବୁକାନ ବା ଡକ୍ଟର ବୁକାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ନ ପାରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମିଶନାରୀମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଠାତ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର, କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀକରଣ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଓ ପୁସ୍ତକ ଲିଖନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 19ଶ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ଥିଲା। 1900 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନଥିଲା ବା ପଛୁଆ ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା, ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 1821 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ 1821 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ତାପରେ 1822 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପାଠଶାଳା 15ରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତାପରେ 1823 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜେନେରାଲ କମିଟି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜେନେରାଲ କମିଟି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗଠିତ ହେଲା। ସେ ବର୍ଷଟି କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏକ ଇଂରାଜୀ ଚାରିଟି ସ୍କୁଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ କଲିକତାର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ ଯାହାକି 1800 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଏ କଲେଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏହି କଲେଜଟି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେ 1835 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେ 1835 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେ ନିୟମ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 1844 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ଏହା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି ବା ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଚାକିରି ପାଇବା ଲୋଭରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ଦେଖାଇଲା। ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଥିବା ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ମ୍ୟାକଲେ ଯେଉଁ 1935 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ କଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବା ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁସ୍ତକଗତ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଉପଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଇଂରାଜୀର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣେଇଲେ। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 1858 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ
कलिकता बॉम्बे मांद्रास तीन गोटे विश्वविद्यालय स्थापित होता मात्र ओडिशा से कॉलेज टीए स्थापन हो ना तो जिते बड़े 1858 मसीहा बेलू भारत में बॉम्बे रे मांद्राज रे एवं कलिकता रे तीन गोटे विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी स्थापन होता बॉम्बे कलकत्ता और मांद्रास तीन गोटे यूनिवर्सिटी 1858 बेलू तो से समय ओडिशा रे गोटे विश्वविद्यालय स्थापन हो ना तापर ओडिशा रे 1868 मसीह कटक कॉलेज आरंभ होता तो 1868 मसीह कटक गोटे कॉलेज स्थापन होता जार ना था कटक कॉलेज तापर 1876 डिग्री कॉलेज रे यह रूपांतरित हो गला से कॉलेज मूल रे रेवेन्सा साहेब का प्रबल उत्साह थिवारु परवर्ती समय रे कॉलेज रो नाम होला रेवेन्सा कॉलेज तो आमे मध्ये अठार उल्लेख करि परिबा 1868 मसीह रेवेन्सा कॉलेज स्थापन होता यह कॉलेज रो अध्ययन करिथिबा एही रेवेन्सा कॉलेज रे अध्ययन करिसा अधिकांश छात्र कर्मक्षेत्र को प्रवेश करिबा सहित ओडिसा रे एक शिक्षित मध्यवित्त श्रेणी सृष्टि हला एही शिक्षित गोष्ठी समाज रो अधिकांश क्षेत्र रे नेतृत्व नेउथिले बंगला रे पाश्चात्य शिक्षार प्रसार जोगु राजा राममोहन राय महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर माइकल मधुसूदन दत्त और पर रवींद्रनाथ विवेकानंद पर व्यक्तित्व सृष्टि होई सेठार एक संस्कृति व सांस्कृतिक नवजागरण आणवे सक्षम होते ओडिशा रे एपरी तुंग सांस्कृतिक सचेतक पुरुष मान आविर्भाव न होते सुधा तथापि कर्मवीर गौरीशंकर राय मधुसूदन राव राधानाथ राय फकीरमोहन सेनापति प्रमुख पर संस्कृति प्रेमी और साहित्यिक मान आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा विस्तार द्वारा जे निजर धी शक्ति और कृतित्वर परिचय मिलता एथिरे संदेह ना तो आमर ओडिशा रे सेते बेले भाषा आंदोलन पई ओडिशा रो ए वीर पुरुष मानक सृष्टि सेमानकर चेष्टा अतुलनीय थिला तापर आमे देखिबा यूरोप रे नवजागरण इतिहास तो यूरोप महादेश रे जो नवजागरण हिला तार इतिहास देखिबा तो ए नवजागरण को इंग्रजी रे रेनान्सा बोली कहा जे तो एठे आमे देखिबा यूरोप रे नवजागरण रो भूमिका कोन थिला तो ये देखु यूरोप नवजागरण भूमिका कौन थी और नवजागरण इतिहास कौन थी ता आम आलोचना करवा यूरोप नवजागरण इतिहास खोजे जना पड़े यह आरंभ होता इटाली रे तो ये उल्लेख कर इटाली रु प्रथम आरंभ होता नवजागरण तो यूरोप महादेश तो अनेक गुड़े देश अच्छी सेगुड़िक मध्य इटाली देश में प्रथम नवजागरण व रेनान्सार सृष्टि होता और चतुर्दश शताब्दी शेष भाग में यूरोप महादेश इटाली देश में रेनान्सार सृष्टि व नवजागरण विकास देखाई क्रमे क्रमे यह विकसित प्रसारित हो समग्र यूरोप को व्यापी जाता सप्तदश शताब्दी बेलू समग्र यूरोप आनी सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक महाजागरण मूलतः यह सांस्कृतिक आंदोलन भाव आसी मनीष जातिर ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में धर्म और दर्शन क्षेत्र में एक काल आसी तुमूल परिवर्तन यूरोपर अंधकार जुगर यूरोप देश अंधकार यूरोप महादेश अंधकार जुगर मुक्त हो नुआ एक आलोक और आशार जुगरे प्रवेश कला इटाली रो फ्लोरेन्स सहर रो बणिक समाज और शासक गोष्ठी पृष्ठपोषकत प्रथम नुआ रूप पाई समग्र यूरोप दीर्घ 400 वर्ष काल जो उत्साह उद्दीपन कला और मानवीय मूल्यबोधर प्रचार प्रसार पर आग्रह उत्तेजना प्रकाश पाई तार परवर्ती रूपांतर यूरोपर कैंद्रिक दृष्टिभंगी और उपनिवेशवाद ज्ञानर संधान वाणिज्य और अपरदेशर संस्कृति और समृद्धि को जानिबा और जानिबार इच्छा नुआ माटीर लोभ नुआ बजार अनुसंधान एसबुर मिशामसी हो यूरोप सृष्टि है नवजागरण कला साहित्य और दर्शन और राजनीति और विज्ञान और समाजशास्त्र क्षेत्र में अतुलनीय भाव में नवजागरण देखाईला ताको सहयोग कला जंत्र और शिल्पर नूतन नूतन उद्भावन तो ये उल्लेख कर यूरोप महादेश नवजागरण में अनेक गुड़े नूतन शिल्प एवं नूतन जंत्रपातिर आविष्कार होता यूरोप घटी नवजागरण कतोटी प्रमुख दिग रूप आम एठार आलोचना करपर एक हूँ मानव कैंद्रिक जीवन दृष्टि तापर धार्मिक और सामाजिक संस्कार तापर नूतन आविष्कार और उद्भावन ए समस्त भिन्न आहुरी अनेक उपादान और विभव यूरोपीय नवजागरण व रेनान्सा को मानव जातिर इतिहास एक नूतन मोड़ प्रदानकारी घटना रूपे प्रतिपादन करे मध्ययुगीय चिंतन और प्राचीन अज्ञतार परिवर्तन विचार और विश्लेषण करी
ନୂଆ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ କରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି କାଳରେ। ତ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ? ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବା ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ, ସେଠାରେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ? ଜେ ଏ କୁଡ଼ନଙ୍କ ମତରେ ନବଜାଗରଣ କାଳୀନ ମାନବବାଦ ହେଉଛି ଏ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫୋନୋମେନ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ମୋର୍ ୱାର୍ଡଲି ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମୋର୍ ସେକ୍ୟୁଲାର ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଟ୍ ସଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ଇନେବଲ୍ ଟୁ ମେନ୍। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନବବାଦ ହେଉଛି ଅଧିକ ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ, ପୁଣି ଅଧିକ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଶରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗର, ସେଠି ଜଣେ ଦାରୁ ଦେବତାର ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନବବାଦର ମହତ୍ତ୍ୱତର ହେଉଛି ଇହକାଳ ଓ ସ୍ଥାନର ମାଟି ଓ ମଣିଷ। ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହର ଜଗତ ଠାରୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ରଖିବା ମାନବବାଦ ଶିଖାଇଥାଏ। ତ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ଇହକାଳର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବିନିମୟରେ ପରକାଳର ସୁଖ ଖୋଜିବା ବୃଥା ଅଟେ। ମଣିଷର ସମୁନ୍ନିତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ସେତିକି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ତର୍କର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଈଶ୍ୱର ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଥମେ ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଲା। ଇଟାଲୀର ନାବିକଗଣ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନୂତନ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବନବୋଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଅପର ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀକୁ ଆଣିଦେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି। ୟୁରୋପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟରେ ସୀମିତ ନ ରହିବା ଭାବରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟାଲୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ୟୁରୋପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବଣ୍ଟନ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସହ ନୂଆ ଅନ୍ୱେଷଣର ଇଚ୍ଛା ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ମଣିଷ ଜାତିର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ, ସଂସ୍ଥା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବା ସହ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆଲୋକସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲିଲା ତାହା ଥିଲା ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚାର ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ମଣିଷ ପ୍ରତି ନୂଆ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଯେ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଦେବଦୂତଙ୍କ ପରି ହିଁ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ, ଏ ଜଗତ ତା'ର ଇତର ଜୀବ ସବୁ ତା'ର ଅଧୀନ, ଭଲମନ୍ଦ ଉଚିତ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ବଳରେ ମଣିଷ ବିଚାର କରିପାରେ, ଭାଷା ଭାବନା ଓ ଅଭିପ୍ସା ମଣିଷକୁ ଅପର ଜୀବମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ମଣିଷକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତୀତ ନେଇ ନବଜାଗରଣ ବା ରେନାନ୍ସା ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲାଟିନ୍ ଓ ରୋମାନ ପର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଭାଷା। ତ ସେ ସମୟରେ 1800 ବେଳକୁ ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ଭାଷା ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଭାଷା। ଏ କାଳରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଳ୍ପକଳା ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ମଣିଷକୁ ରଖି ଚିନ୍ତନ ଓ ଚିରନ୍ତନ ନୂତନ ପରମ୍ପରା, ନୂଆ କଳାକୃତି, ନୂଆ ଶିଳ୍ପଶୈଳୀ ବିକଶିତ ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା, ଲାଟିନ୍, ରୋମାନ ଭାଷାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଦେଶୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକମାନଙ୍କରେ ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷର 3 ଦିନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ, ଯାହା ବହୁଦିନ ଯାଏ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାହା ହେଲା ନୂଆ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟ। ଏହି ମତରେ ଗୁଟେନବର୍ଗ ତାଙ୍କର 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଆଣିଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା 1450 ବେଳକୁ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ହାତ ଲେଖା ବହି ସବୁବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଜ୍ଞାନକୁ ଏହି ଏକାଧିପତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଧର୍ମାଧିଶାୟୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଧିପତ୍ୟ କଳା ଶେଷ ହେଲା।
मुद्रण जंत्र ज्ञान को सर्वसाधारण निकट बांटिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण कला। नूतन विचार, नूतन संकल्प, नूतन भौगोलिक ज्ञान साधारण मनुष्यर जीवन बोध को प्रभावित कला। तापरे उन्मुक्त ज्ञान परिसर नित्य नूतन ज्ञान को आहरण करी लियोनार्डो डाविन्सी जे कि मोनालिसार चित्र आंकिथिले, माइकल एकोला राफले, तापरे पेतार्क परि बहु शास्त्र वेभा कवि ओ कलाकार सारस्वत कृति मानकर मानवीय सामर्थ्य ओ अभिप्सार जयगान घटीला। तो एठी सांग माने लियोनार्डो डाविन्सी होची जे कि मोनालिसार चित्र आंकिथिले, तांको नाम होची लियोनार्डो डाविन्सी। और तापरे एही भळी कलाकार मानक सारस्वत कृति मानकर मानव बा मानवीय सामर्थ्य ओ अभिप्सार जयगान प्रकाश पाइला। समस्त कला और कल्पनार केन्द्रबिंदु हो रहा मनीष यथार्थ से शेक्सपियर तांको नाटक लिखिथिले। तेणुक ए मानव विषय शेक्सपियर तांकर नाटक हामलेट रे लिखिछन्ति। शेक्सपियर को नाटक हामलेट से शेक्सपियर लिखिछन्ति मनीष विषय व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनेट इन फैक्चुअल, इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ, एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल इन एक्शन हाउ लाइक ए एंजल, इन अपरहेंशन हाउ लाइक ए गॉड, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पारागन ऑफ एनिमल्स। तो यह आमर शेक्सपियर तांकर हामलेट नाटक लिखिछन्ति मनीष विषय। तापर आम देखा धार्मिक सामाजिक धार्मिक सामाजिक संस्कार नवजागरण समय सामाजिक धार्मिक संस्कार किभले हितला ता आलोचना करिबा। तो एठी कहा जाइछि दशम शताब्दी बेलकु रोमान कैथोलिक चर्च उत्तर और पश्चिम यूरोपर धार्मिक और राजनैतिक जीवन रे प्रभुत्व विस्तार कर सारीथिला। धर्म ठारु धन और क्षमतार केन्द्र भावे बहु चर्च सबु मने होउथिला अधिक गुरुत्वपूर्ण। नवजागरण नूतन दृष्टिभंगी विशेषकर बाइबल देशीय भाषा मानकर प्रकाश और प्रचार जनसाधारण को चर्चार बा चर्चर श्रृंखलित शासन कवल मुक्तिर नुआ बाट फिटाइदेला। इरस्मस और थॉमस मूर परी चिंता नायक मानक रचना जनसाधारण चर्च और धर्म संपर्क निजस्व चिंतन पर सहायक है। षोडश शताब्दी आरंभ बेलू एणु समग्र यूरोप्रे धार्मिक और सामाजिक संस्कार प्रकाश पाइला प्रबल उत्सुकता। धर्मर बंधन हुगुला हला मानविकता नुआ भावरे धार्मिक जगतर प्रधान पाइला। सेतेबेले ही मार्टिन लुथर 1483 रु 1546 मसीहा पर्यंत जन्म सेतेबेले मार्टिन लुथर आरंभ कले चर्च विरुद्ध नूतन धर्मर प्रचार। तो मार्टिन लुथर थिले जे कि चर्च विरुद्ध नूतन धर्म प्रचार आरंभ करथिले। तांकर धर्म प्रचार मूल कथा थिला तीनोटी। तो ये जो मार्टिन लुथर से तीनोटी मूल कथा उपरे तांकर धर्म चर्च विरुद्ध रे जो तांकर नुआ धर्म प्रचार करूथिले। प्रथम कथा हला मनीष मुक्ति पाइब भगवान को असीम करुणारु एवं निजर सत्कर्म बल। तो से कहूथिले मनीष निजर कर्म बल एवं सत्कर्म बल भगवान को कृपार मुक्ति पाइब। द्वितीय कथाटी हला पोप बा चर्चर कथा ठारु बाइबल रे लेखा होइथिबा धर्मवाणी ही ख्रीष्टीय धर्म संपर्क शेष कथा। तापर तृतीय रे से मार्टिन लुथर उल्लेख करिसंती धर्म आखिरे सबु मनीष समान अटंती समस्ते ईश्वर संतान पूजा और उपासना पाई पॉप बा चर्चर मध्यस्थीपण अनावश्यक। परवर्ती समय रे प्रोटेस्टेंट धर्मर भित्ति तैयारी हला एही धर्म प्रचार रु आस्ते आस्ते समग्र यूरोप रे मार्टिन लुथर को ही संस्कारमूलक बाणी परिव्याप्त होइगला। ए धर्मवाणी रे थिबा मानववाद यूरोपीय नवजागरण को धर्म जगत रे प्रसारित कला। यह अनुक्रिया रे रोमान कैथोलिक धर्म रे मध्य आसिला अनेक संस्कार और परिवर्तन होइगला। तापर यूरोपर धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन रे तुमूल परिवर्तन आसी सप्तदश शताब्दी बेलकु एक नुआ अनुचिंता और आधुनिक चिंता युक्तिवादी और पाश्चात्य जगत सृष्टि कला। उभय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतवादी बा धर्म विश्वासी माने सामंत और बणिक श्रेणी मनीषर शिक्षा और सेवा को प्राधान्य देवा उपर आरंभ गुरुत्व आरोप कले। यूरोप्रे सामाजिक ज्ञान प्रांतीय भाषा समेत अपर मानव विद्यार अध्ययन और अध्यापन पर अनेक विद्यालय गुड़िक स्थापन होला यूरोप्रे।
तापर एही परंपरा ही शिक्षा को सार्वजनीन मानवर सर्वांगीन उन्नति पई सहायक हला। रोमानस कैथोलिक चर्चर धार्मिक और राजनीतिक क्षमतार अवक्षय परे परे अनेक छोट छोट राज्यगुड़िक सब तैयारी हला। सप्तदश शताब्दीर आरंभ बेलू यूरोप अद्भुत घटला नूतन राष्ट्र और राष्ट्रकेंद्रिक जातीयतार फल फलरे साम्राज्यवादी मनोवृत्तिर विभिन्न देश को वाणिज्य पाई यात्रा धन संग्रह सामाज विस्तार परवर्ती काल रे अनेक संघर्ष और युद्धर भित्तिभूमि गुड़िक तैयारी हला। यूरोपीय उपनिवेश बाद अंकुरोद्गम हला। परवर्ती काल रे समग्र पृथ्वी को विजय करिवार इंग्रेज जाति रो अभिप्सा सृष्टि हला। इटाली पर्तुगीज फरासी यूरोपीय जाति मानंकर भिन्न देश रे उपनिवेश स्थापन रो लालसा यूरोपीय नवजागरण भिन्न एक कला दिग अटे। तो यूरोप नवजागरण परे परे यूरोपीय देश गुड़िक सब उपनिवेश बाद रे माति गले। सब अन्यान्य देश जाइकी विभिन्न देश गुड़िक अधिकार कर शासन करने आग्रह प्रकाश कले। जनसाधारण धर्म विश्वास और क्षमता केन्द्र प्रति प्रश्नाकूल दृष्टिभंगीर विकास हेतु अष्टादश शताब्दी बेलू यूरोप और आमेरिका और रुषिया नूतन एक बुद्धिजीवी आंदोलन सूत्रपात होता। तापर भारतीय नवजागरण यह समस्त घटनार जुगपढ़ पुनरावृत्ति घटला। अल्प दिन व्यवधान में यूरोपीय रेनान्सा बा नवजागरण दीर्घ 400 वर्ष प्रलंबित इतिहास पुणी थे भारत में अभिनीत होला मात्र 50-60 वर्ष मध्य। तो तापर अच्छी नूतन आविष्कार उद्भावन। तो आम देखा जिते बड़े यूरोप महादेश रेनान्सा बा नवजागरण है सेतबेले कौन कौन नूतन जिनस आविष्कार और उद्भावन होता। तापर सांग माने एठी आम देखा यूरोप जो नवजागरण होता रेनान्सा होता सेठार नूतन आविष्कार और नूतन उद्भावन गुड़िक कौन कौन सब होता। तो यूरोप जो रेनान्सा नवजागरण तो यूरोप नवजागरण फल क्यों नूतन द्रव्य नूतन जिनस आविष्कार उद्भावन है ता देखा। बर्तमान पंचदश शताब्दीर शेष पंचदश शताब्दी पर्यंत यूरोप व्यवहृत मसला चीनी रेशम वस्त्र प्रभृति अनेक मूल्यवान वस्तु आमदानी होता प्राच्य देश मानू। तो पंचदश शताब्दी पर्यंत यूरोप जो द्रव्य गुड़िक सब व्यवहार करमती खावा जिनस मसला चीनी रेशम वस्त्र पिंधापी ये अनेक मूल्यवान वस्तु गुड़िक प्राच्य देश गुड़िक सब आमदानी कर। तो मध्य प्राच्य 1457 युद्ध पर युद्ध पर तुर्की माने यही पथ को अवरोध करदे। तो 1457 मसीहार युद्ध पर तुर्की लोक माने तुर्की देशर अधिवासी माने यही पथ को अवरोध करदेवारु पूर्व देश को जीवापाई जलपथर आविष्कार यूरोपीय बणिक मानी है अपरिहार्य आवश्यकता। ब्याट्स लोडेयास नामक पर्तुगाल नाविक भारतर अन्वेषण से बाहरी आफ्रिकार दक्षिण प्रांत पहुँची सेठार पहुँचीगले। तो ब्यर्थ लोडायस नामक जो पर्तुगाल नाविक से भारत को आविष्कार करने बाहरी भूलवशतः दक्षिण आफ्रिकार गोटे प्रांत पहुँचीगले। से अंचल नामकरण थिला उत्तमाशा अंतरीप कहुए केप ऑफ गुड होप। सेमती इटाली नाविक कोलंबस से ही भाव इटाली जड़े नाविक कोलंबस 1492 मसीह अगस्त मासरे भारतर अनुसंधान यात्रा आरंभ कर अक्टोबर मासरे पहुँचले अमेरिकार बहामास ठारे। तो भारत को आविष्कार करने आसी दुई गोटी नाविक बाटबणा होगले जिकि प्रथम नाविक है ब्यर्थ लोडायस जिकि पर्तुगाल रु बाहरी थिले किंतु से भारत को न पहुँची भूल रे दक्षिण आफ्रिकार गोटे स्थान में पहुँचीगले जार नाम हूँ उत्तमाशा अंतरीप बा केप ऑफ गुड होप। तापर 1492 मसीह इटाली जन नाविक कोलंबस इटाली देशर जन नाविक से 1492 मसीह भारत आविष्कार करने मिशन वाकर लक्ष्य नहीं बाहरी थे किंतु भूलवशतः से अमेरिका रे पहुंची गले। तो से जो स्थान रे पहुंची गले से ही स्थान को आविष्कार करते तार ना हूँ बहामस। तो एठारे कोलंबस अमेरिका को पहुंची अमेरिका आविष्कार कले। पर पर्तुगाल नाविक भास्कोडा गामा 1498 ख्रीष्टाब्दे भारत को आविष्कार करते भारत को जलपथ मध्यम पहुँची पारि। तो दुईज जी कि आमर ब्यर्थ लड़ाई से मध्य लक्ष्य भ्रष्ट होगले भूल रे उत्तमाशा अंतरीप को पहुँचीगले। 1492
कलम्बस से मध्य अमेरिका पहुँचीगले। तापर 1498 मसीह भास्कोडा गामा पर्तुगाल जड़े नाविक पर्तुगीज रु बाहरी से भारत को पहुँची पारे सफल भाव भारत को यात्रा आरंभ कर पारे। यूरोप रु पूर्व देश मानक जलपथर आविष्कार फल सामुद्रिक व्यापार वृद्धि संगे संगे प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान क्षेत्र में मध्य अनेक प्रकार संभावना सृष्टि बा उन्नति मध्य होइथिला। प्राच्य देशगुड़िक सह पाश्चात्य देशगुड़िक जलपथ द्वारा जोड़ी हो पारा। इटाली पर्तुगाल हॉलैंड और फ्रांस वणिक मैंने प्राच्य देशर विभिन्न भूखंड निजर वाणिज्यिक उपनिवेश आरंभ कले। आस्ते आस्ते सेठा निजर शासकीय नियंत्रण आरंभ करने शेष समग्र देश को निज शासनाधीन कले। भारत वाणिज्य ईस्ट इंडिया कंपनी था सेमती एक कंपनी जहाँफल इंग्रज मैंने शह शह वर्ष धरी भारत को शासन कले और भारत अनेक जिनस लुटी नहीं थी। तो यह यूरोप नवजागरण बा रेनान्सा। तापर आम देखा आम तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास यूरोप्रे यूरोप महादेश रेनान्सा व नवजागरण विषय में आलोचना कले। पुणी देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम भारत नवजागरण और तार आरंभ प्रसार विषय आलोचना करवा। तो आज वीडियो ये मत विदाय दिंतु। पुणी देखा हम अन्य एक क्लास आशा करूँ आपण प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर ओडिया अनर्स एग्जाम ये वीडियोटी हेल्पफुल हेबो। तो आज वीडियो ये पुणी देखा हम अन्य एक वीडियो रे। जय हिंद।